असलम गायज, वेलकम बैक मेरे चैनल। नहीं हम, क्या आप सब ठीक होंगे? आज हम खेलने गए हमारे सुपर मार्केट। भाई लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमारे पास बिल जीरो जीरो था, बिल्कुल जीरो, क्योंकि हमने एक मशीन भी लेनी थी, उसके गेमिंग कंसोल भी लेना था और अपने पास सामान भी कुछ भी नहीं था। बट मैंने कैसे कैसे करके ना ऐसे तैसे करके ना थोड़े से पैसे और कुछ सामान अपना ना स्टोर कर लिया है। बट अभी भी वो काम है, हमें और स्टार्ट सामान स्टोर करना है और मशीन का भी परचेज करना, तो देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, पहले किन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो करते स्टार्ट, लेट्स गो। ओके गाइस, आप देख सकते हो कि अभी जो सन अपनी मार्केट कुछ वैसी की वैसी है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। बट अभी मैंने अपने मार्केट को बंद किया, मुझे एप्पल लगाने हैं। सबसे पहले मैं एप्पल लगा कर ना फिर जो अपनी मार्केट ओपन करता हूँ। जो अपने मार्केट करते पहले तो ओपन, और ये सामान भी आस्ते आस्ते बिकेगा तो फिर हमारे कुछ पैसे बनेंगे। तो ये तो 18 घंटे है तो हम इसको 24 कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम क्या रह गया पीछे, तो भी जल्दी से ना इसको कर दिया हमने ओपन अपनी। फिर जैसे कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे ये भी देना है कि मुझे ब्रेड भी कोई परचेज करना है। जैसे थोड़े से पैसे बनेंगे तो मैं ब्रेड को कर दूंगा परचेज। आज अभी अंकल आ जाए अंदर से, मार्केट ओपन होगी। मार्केट में तो सब कुछ है, सिर्फ एक ही है पेट छोड़ के। भाई इन सबके रेट क्यों इतने हाई हो जाते हैं? फिर ये जल्दी से सामान ले ले, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। हमारे पास कितने पैसे एक दिन के अंदर कटे होते हैं, यानी कि शुरू शुरू में ना हम कुछ कमा लेते थे, जो सा एक $100 कमा लेते थे, इतने तो मेरे ख्याल से हम कमा लेते थे। अब देखते हैं कि हम आस्ते आस्ते कितने कमा सकते हैं। अभी मेरे पास मुझे यानी कि 39 डे हो गए हैं, यानी कि 40 दिन तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर हो ही गया है। तो 40 दिन के अंदर मैं कितने पैसे कमा लेता हूँ, क्योंकि ये गेमिंग कंसोल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको बेच दिया था उस मशीन को खरीदने के लिए, बट वो मशीन के पैसे मेरे पास जमा नहीं हुए और मेरे पास वैसे नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने जो सा ना सामान उसका खरीद लिया, फिर वो ऐसा ऐसा ना घाटे पर चला गया था मैं। बट मुझे वो मशीन को दोबारा पर लाना, ऐसा ऐसा रश नहीं लगता था, अब रश लगने लग गया, क्योंकि एक साथ इतने कस्टमर कभी आगे खड़े नहीं हुए। अब यार एक चीज कौन खरीदता है इतने, तो मेरी क्या ही बताऊं। चलो एक भी चीज खरीदी, पैसे तो कुछ पैसे तो आए ना, बस वही काफी है। अब पीछे वाली को बोरी तो आएगी, तो भाई यार के घर से बोरी तो उतार के आया करो ना। एक तो मुझे यहाँ पर आकर इतना गंद फेंक देते, क्योंकि बाहर से सारा गंद कटा करके मेरे दिखाए मार्केट में आकर फेंकना था इन्होंने। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये ऐसा ही कुछ करते हैं। भाई यार अब मक्खियां कहाँ से आ गई, अब मैं तुझे जलील का घर फारिग करूँ यहाँ से। अब ये देख सकते हो वो गंद फेंक कर गई है नुक्कड़ पे। बेटा अगली दफा आएंगे ना फिर मैं तुझे देखूंगा। एप्पल, पाइन एप्पल, ब्रेड, मिल्क, एग, ये बहुत जल्दी में ना खत्म होते हैं। अबे अभी तू तो आया था, क्या लिया? अच्छा ये वो नहीं था, इसने भी काफी ज्यादा सामान खरीद लिया है। मेरे पास भी काफी ज्यादा दिन पड़ा है, मैं जो अगर मेरी कोई चीज खत्म होती है, ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मैं फिर मार्केट जोन से ना खुद ही बंद कर दूंगा। हाँ लूंगा अभी नहीं है मेरे पास, तो जल्दी से आओ अपना बिल बनाओ और यहाँ से चलते बनो। ठीक है, ये सामान खरीदा है, सामान का हमारे जो बिल $30 है। अब यार इसने ये क्या पकड़ लिया इस टाइम पे, ये कस्टमर आ गया। ठीक है, गंद जो सा उठा लेता ना फिर ये नीचे फेंक नहीं सकती, फिर जो सा ना यहाँ पे आगे काम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। 2000 तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा मुझे लगता है, क्योंकि जितने मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं ना, मुझे लगता है मैं इतने, अगर भी में एक चोर ना आए तो, अगर आज के दिन चोर ना आया ना तो बहुत अच्छी दिन होगा ये तो। नहीं तो ऑलमोस्ट मुझे जब भी मैंने ये गेम को स्टार्ट किया खेलना वो अब तक तो चोर मुझे ऐसे पड़ते हैं जैसे मैंने उन्हीं के लिए दुकान खोली है। कैसे भी काफी ज्यादा मैं ये $50 तो होगा, नहीं $43। ठीक है, ये फैंट अभी अंकल आ गया है। ये फैंट अंकल में मैं शर्ट दिया कहता हूँ, इसने वो काफी ज्यादा सामान खरीदना, देखना इसने एक ही बारे में कितना कितना सामान खरीदना। एप्पल तो खत्म होने वाले है, ब्रेड अभी उस साइड के पड़े है, पाइन एप्पल इस साइड का काफी ज्यादा पड़ा है। एप्पल की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मैं एप्पल लगा नहीं सकता। अगर मैं काउंटर से रहा तो ये जो कस्टमर है यहाँ पर रश लग जाएगा, मैं काउंटर से तो नहीं लूंगा। अगर एप्पल खत्म होते तो होने दो, भाई मैंने उसको स्टोर किया हुआ है, हो सकता है तो मैं और भी परचेज कर से रख लूंगा, फिर लगा लूंगा। फ्री टाइम पे मैं अपना ये सारा काम करता हूँ, जैसे सफाई सफुई सारा कुछ। अब वहां पर खड़े ही ना होना, आ जाए जल्दी से तुझे मैं फारिग करूँ। मैं कहाँ से आ जाते, इतने एप्पल ही बहुत ज्यादा खरीदूंगा, पता नहीं है लोग एप्पल इतने क्यों खरीद के यहाँ के। पाइन एप्पल भी खरीदे है, खाली एप्पल नहीं खरीदे, पाइन एप्पल भी खरीदे है। ठीक है भाई, अब रश शुरू लगना शुरू हो गया, मुझे नहीं लगता मुझे अब जल्दी जल्दी इसको इनको खत्म करना पड़ेगा। ओके भी स्नैक भी खरीदे थे, सुपर भी खरीदा है, मिल्क भी है। अबे यार जी कितना सामान खरीद लिया है, फिर भी $50 नहीं इसका हुआ। अबे यार एक बंदा जो सा ना पार्सल छोड़कर चला गया, अब इसी तरह लगा आना तो ये भी चले जाएंगी, और 3 जिन और आ गया। यहीं पर ये हाल है, जब मेरे पास बस आ जाती ना वो अब तो भाई रश लग जाता, अब देखने वाला वो सीन होता, इतना रश होता ना। अब ये सेंटा अंकल ना चले जाए, सेंटा अंकल जल्दी से आ जाओ, आपने क्या खरीदा जल्दी से मुझे दिखाओ और अपना बिल बनाओ और चलते बनो यहाँ से, जाकर बच्चों को गिफ्ट दो। आज भी आंटी की
आपने क्या क्या खरीद लिया? यहाँ पर रहते हुए तो काफी ज्यादा कुछ खरीद ही लिया होगा। एप्पल खत्म हो गए, तू कहाँ से एप्पल उठा के ले आई? अभी ये बुढ़ी आंटी किसी और के मार्केट से सामान ला कर मेरी मार्केट में भेजे, अच्छी बात है, मेरे पास तो एप्पल खत्म हो गए थे। ठीक है, इसी तरह चलता रहना, ये दोनों चले जाएंगे क्योंकि रश लग गया पीछे। अभी मैं इस टाइम कस्टमर फारिग करने पर ध्यान दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ वहाँ नहीं दे सकता। अगर कोई चोर आता तो इस तरह तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मेरे कस्टमर भी जा सकते हैं। क्यों तो मुझे लगता चला जाएगा एक आधा इनमें से, शायद ये तीनों जा सकते हैं। चलो आंटी जी, ओ सॉरी आंटी नहीं है, ये तो लड़की, ये गंजी आ गई एयर होस्टर, इसको भी जल्दी जल्दी फारिग करते हैं। अबे ये तो वैसे बीच में एक आधी तो छोड़ के चली ही गई है, या मुझे लगता है मुझे अपनी मार्केट को बंद कर देना चाहिए। आज वो भी जितनी देर चलती है चलने देते हैं। ये एक तो लास्ट रह गई है, इसको भी फारिग हो गया। ओके अबे क्या दिखा रही है मुझको, चल जा। ठीक है, अब जल्दी से इनको जो इंसान फारिग करता हूँ। हाँ, एप्पल लैग सारा कुछ खत्म हो गया, आप देख सकते हो ना गाइस, मैंने यही चीज को दिखाया था आपको, कहा था कि दोनों ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दो कस्टमर आ गया, ये लास्ट टाइम चिकन ही खरीद के यहाँ से गई थी। पार्सल ना छोड़कर जाना अपना, यानी कि अपना सामान ना छोड़कर जाना। ओके, इसमें थोड़ा सामान खरीद लिया, थोड़े में ही काम बड़ा हो गया। ठीक है, हाँ भाई, अब वो देखो दोनों आप बैठ गए, अब रोड अपने घर पे नहीं बैठे। अब यहाँ पे तो वाकई मक्खियाँ आ गई है, मुझे भी लगता है मुझे इसको पहले इसको फारिग करना पड़ेगा, या मुझे लगता है मुझे मार्केट बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, मार्केट को करता हूँ बंद। अब काफी ज्यादा मैंने ना सामान यहाँ से ले लिया, अब मार्केट होगी बंद। जल्दी से आ जाओ, तुम्हें तुमसे दोनों को फारिग करूँ मैं। अबे यार आई है, सामान देकर निकल गई है। शुक्रिया आंटी, मैंने अब पूरे दिन में ना तीन दफा जो सा कस्टमर अपने चले गए मेरे यहाँ से, मेरा ऑर्डर ही छोड़ के चले गए, और बताना क्या है, और वो तो कागज ही है, इस तरह रेट करते जैसे पता नहीं कितना गंदा। ओके, अब देखते हैं, वो काफी ज्यादा सामान था जो छोड़ के चले गए ये। ओके, ये बॉय कितना ज्यादा सामान था, इसे तो वैसे भी नहीं रुकना था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी जल्दी से सफाई करते अपना सारा काम क्लियर करके ना, बिजली के बिल का तो पैसे ऐसे काट लेते जैसे मैंने इनकी कोई बड़ा डैम उठा के ले आया बिजली का। भाई गरीब को थोड़ी कमाई करने दो, कुछ रहम करो। ब्रेड तो मंगाने, मिल्क भी मंगाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि इनका रेट क्या चल रहा है, इनका रेट तो भाई सोचने से ज्यादा ही है। ओके, ये पाइन एप्पल का रेट काफी ज्यादा कम है, ये मैं 100 ऑर्डर करता हूँ, कोई ऑर्डर कर दो ना। यस, तो ऑर्डर कर देते हैं, एप्पल मुझे 50 ऑर्डर करने एक दफा तो अभी। ओके, ये अभी ओके, ये रेट नीचे आ गया, मिल्क 100 मंगा लेता हूँ, देख ही जाएंगे यार, मैं एक दिन के अंदर इतने तो पैसे कमा ही लेता हूँ। 50 से इसको ऑर्डर कर लेता हूँ, फिर अब देखते हैं कि ये ब्रेड का रेट कब नीचे आता है। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं ना पाइन एप्पल लगा लेता हूँ जल्दी से, उस सबके 30 पूरे कर लेता हूँ, फिर 20-20 करके यहाँ पर रख लूँगा। हाँ जल्दी जल्दी वहाँ पे रखो इतना मेरा सामान सारा, पाइन एप्पल ही मैंने पहले ऑर्डर किए थे लगता है। अब यार 30 को उठा के लेकर आना एक दफा, या ब्रेड का रेट नीचे गिरा है? नहीं भाई, ब्रेड का रेट अप ही है, जो लगता है कि मुझे अभी यार ये अभी 30 में आया था और एप्पल का रेट काफी ज्यादा नीचे आ गया है। 50 पीस 13 रुपये में ऑर्डर कर देते 50, फिर मुझे लगता है कि मुझे ब्रेड को परचेज कर लेना चाहिए, का रेट नीचे गिरने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी मुझे यहाँ से पहले तो मिल्क लगाता हूँ मैं। आज के लिए आई होप कि आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दे जाकर अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।